हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 25 जून को जेई एडवांस एग्जाम का ब्राउशर आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2021 एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर जेई एडवांस एग्जाम 2021 का इन्फॉर्मेशन ब्राउशर देख रहे हैं। तो हर साल कोई ना कोई आईआईटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और इस बार आईआईटी खड़गपुर इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। तो दोस्तों, जेई एडवांस 2021 की डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने डेट के रिगार्डिंग ये अनाउंसमेंट किया है कि जेई एडवांस 2021 और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड डिफरेंट डेट्स बाद में अपडेट करी जाएंगी और ये मॉडिफाइड डेट की लिस्ट आप जेई एडवांस 2021 की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउशर का फर्स्ट पार्ट है द इंस्टीट्यूट। इसमें इन्होंने आईआईटीज के बारे में बात की है। इन्होंने बताया कि आईआईटी किस तरह का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आप इन सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस ब्राउशर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जेई एडवांस एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी के डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और इन सभी एग्जाम्स की काउंसलिंग आपकी जोशा के थ्रू होती है। सो आई थिंक आप लोग उसके बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे, अदरवाइज अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इस टेबल में इन्होंने 23 डिफरेंट आईआईटीज के बारे में बात की है कि वो कौन से जोन में एग्जिस्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, वो कौन से सिटी में, और उनका एब्रीविएशन क्या है। जहाँ पे भी आप स्टार मार्क देख रहे हैं, उस स्टार मार्क का मतलब ये है कि इस साल जेई एडवांस 2021 एग्जाम को इस पर्टिकुलर जोन से ये सारे आईआईटी कंडक्ट करा रहे हैं। जेई एडवांस एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी के डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम्स, बैचलर मास्टर ड्यूअल डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन ब्राउशर के एनेक्सर 3 में आपको डिटेल दी गई है कि कौन कौन से कोर्स 2020 और 21 ईयर में ऑफर किए गए थे। जो जो कोर्स आपके 21-22 में ऑफर किए जाएंगे उन सभी को सीट एलोकेशन के दौरान ही अनाउंस किया जाएगा। इस टेबल में डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स और उनकी ड्यूरेशन के बारे में दिखाया गया है। तो आप देख लीजिए, बीटेक आपका 4 साल का कोर्स है, बीएसपी 4 साल का कोर्स है, बीआर 5 साल का कोर्स है, ड्यूअल डिग्री बीटेक एमटेक 5 साल का कोर्स, बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री अगेन 5 ईयर्स कोर्स, इंटीग्रेटेड एमटेक इज 5 ईयर्स कोर्स और इंटीग्रेटेड एमएससी इज ऑल्सो 5 ईयर्स कोर्स। ओके, आई एफ सीट्स रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो 10% सीट हर कोर्स में आपके लिए रिजर्व है। सिमिलरली फॉर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 27% सीट्स हर कोर्स में रिजर्व है और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए 15% सीट्स हर कोर्स में रिजर्व है और शेड्यूल्ड ट्राइब क्लास के लिए 7.5% सीट हर कोर्स में रिजर्व है। अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो 5% सीट इस हर कैटेगरी में आपके लिए अवेलेबल है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एंड एसटी कैटेगरी। पर दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो डिजेबिलिटी कम से कम 40% होना चाहिए। एक और कैटेगरी है डिफेंस सर्विस कैंडिडेट। अगर आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 2 सीट्स इसके लिए अवेलेबल है। एक और कैटेगरी है फॉरेन नेशनल्स। तो दोस्तों, सीट्स एलोकेटेड टू फॉरेन नेशनल्स, इट हैज अ कैप ऑफ 10% ऑन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी कोर्स। अगर आप लोग फॉरेन नेशनल्स के ऊपर और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व हैं। तो इंडिविजुअल आईआईटी को मेंटेन करना होता है कि एटलीस्ट 20% फीमेल एनरोलमेंट किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब कुछ और इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं जो जेई एडवांस के रिजल्ट के बेस पर एडमिशन देते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईआईएससीआर, विच इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम, देन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इन रायबरेली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी इन विशाखापट्टनम।
तो इस इंफॉर्मेशन का पार्ट टू है एग्जामिनेशन। सो इस पार्ट में हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2021 जॉइंट एडमिशन बोर्ड 2021 के गाइडेंस में कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम में आपके दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। दोनों ही पेपर 3 घंटे के होंगे और आपको दोनों ही पेपर में अपीयर होना कंपलसरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डेट कट कर दी गई है, क्योंकि ये डेट आपकी लेटर ऑन जेई एडवांस 2021 की वेबसाइट पर अपडेट करी जाएगी। और यहाँ पर टाइम मेंशन किया है कि आपका पेपर वन 9 AM से 12 PM तक होगा और पेपर टू 2:30 PM से 5:30 PM तक होगा। अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपने 1 घंटे के कंपनसेटिंग टाइम के लिए अप्लाई किया है, तो आपके पेपर के टाइमिंग उसी के हिसाब से अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग जेई एडवांस 2021 के लिए अपियर होना चाहते हैं, उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने जेई मेन 2021 दिया हो, जो कि NTA कंडक्ट कराती है, और उसमें आपकी रैंक टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट में होनी चाहिए। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपने 10+2 के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम अपने कंट्री में क्लियर किया होना चाहिए। आइए अब कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देख लेते हैं। तो जेई एडवांस 2021 एग्जाम के लिए आपको ये पांचों क्राइटेरिया कंप्लीट करने होंगे, जिसका पहला क्राइटेरिया है कि जिसके बारे में हमने अभी भी बात करी थी कि आपको जेई मेन 2021 का एग्जाम दिया होना चाहिए और आप उसके टॉप 2.5 लाख सक्सेसफुल कैंडिडेट में होने चाहिए। इन 2.5 लाख सक्सेसफुल कैंडिडेट में भी कुछ परसेंटेज मेंशन है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो 10% आपकी जनरल EWS, 27% OBC NCL, 15% SC, 7.5% ST एंड रिमेनिंग 40.5% इज ओपन फॉर ऑल। और इन सभी कैटेगरी में आपका 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट्स के लिए होगा। सो द सेम थिंग इन लोगों ने इस टेबल में भी मेंशन करी है कि आपके हर कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ओपन में 96, 187, ओपन PWD 5063, जनरल EWS 23750, जनरल EWS PWD 1250 एंड सो ऑन। तो आप ये डिटेल में इस टेबल को चेक कर सकते हैं। आइए अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका बर्थ October 1, 1996 या उसके बाद का होना चाहिए, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो anyone who is born on or after October 1, 1991, they are eligible to give this exam। क्राइटेरिया नंबर 3 है कि कोई भी कैंडिडेट JEE एडवांस एग्जाम को मैक्सिमम 2 consecutive years तक दे सकता है। क्राइटेरिया 4 कि आपने 12th क्लास के एग्जाम को 2020 या 2021 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया होना चाहिए। तो दोस्तों, जेई एडवांस 2021 में ये क्राइटेरिया नंबर 1 से 4 के लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने जेई एडवांस के एग्जाम को 2020 में रजिस्टर किया था पर वो किसी भी रीजन से दोनों ही एग्जाम में एबसेंट थे, तो वो इस साल 2021 में जेई एडवांस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो उनका लास्ट ईयर का जो अटेम्प्ट है उसको काउंट नहीं किया जाएगा और यह केवल इसी साल के लिए वैलिड है। आइए अब क्राइटेरिया नंबर 5 को देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी IIT में पढ़ रहे हैं तो आप इस एग्जाम को फिर से नहीं दे सकते, बट अगर माना आपने IIT में एडमिशन ले लिया था और लेटर ऑन किसी रीजन से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो भी इस एग्जाम को आप नहीं दे सकते। द कैंडिडेट्स जिन्होंने 2020 में प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लिया है वो IIT के एग्जाम में फिर से बैठ सकते हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट्स जिनको जोशा 2020 में IIT में सीट एलोकेट हुई थी पर वो किसी वजह से रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं पहुंचे और उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं किया, या फिर उन्होंने लास्ट राउंड से पहले ही विड्रॉ कर लिया या उनकी सीट कैंसिल हो गई, दे आर एलिजिबल टू अपियर फॉर JEE एडवांस 2021।
तो आपके रजिस्ट्रेशन करने के दो प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर ए और प्रोसीजर बी। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम दे चुके हैं तो उसके बाद आपको प्रोसीजर ए के थ्रू रजिस्टर करना होगा, और अगर आप डायरेक्टली जेई एडवांस 2021 में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फॉरेन नेशन है या किसी भी और रीजन से, तो आप प्रोसीजर बी से अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो जेई मेन 2021 के थ्रू भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और डायरेक्टली जेई एडवांस 2021 के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें प्रोसीजर बी में दी गई सारी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, मैं इन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके लेटर ऑन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फीस देख लेते हैं। इंडियन नेशनल्स के लिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1400 रुपीज़, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए 1400 रुपीज़, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 2800। अगर आप एक पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं, आपको एक स्क्राइब चाहिए, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही ऑप्ट करना होता है। अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट टू शो योर डेट ऑफ बर्थ, क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपका नाम क्लास टेंथ और बर्थ सर्टिफिकेट में सेम नहीं है तो आपको एक गजेटेड नोटिफिकेशन दिखाना होगा चेंज ऑफ नेम के लिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। सिमिलरली एससी एसटी के लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। और अगर आप लोग डीएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना। एडमिट कार्ड आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डेट भी यहाँ पे बाद में अपडेट करी जाएगी। आपके एडमिट कार्ड में कौन कौन सी डिटेल रहने वाली है, नेम, रोल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड कैटेगरी। क्वेश्चन पेपर आपके दो होंगे, पेपर वन और टू, दोनों ही पेपर आपको करने कंपलसरी हैं। दोनों ही पेपर में आपके तीन डिफरेंट सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सिलेबस आप लोग एनेक्चर वन में जाकर चेक कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस, जिसकी डिटेल आपको इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट सेक्शन में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही दी जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, आप किसी भी टाइम जाकर ये लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जेई एडवांस का एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। लॉग इन करने के लिए आपको अपना जेई एडवांस का रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड डालना होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, 3 घंटे का पेपर होगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपने कंपनसेटरी टाइम के लिए अप्लाई करा है तो उन कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे का पेपर होगा। आइए अब सिटीज़ और टाउन्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाला है, और इनमें से 8 सिटीज़ की डिटेल आपको फॉर्म को फिल करते वक्त भरनी होती है। दोस्तों, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर आप लोग किसी भी पेपर में लेट पहुंचते हैं तो आपको उस सर्कमस्टेंसेज में एग्ज़ाम को नहीं देने दिया जाएगा, और दोनों एग्ज़ाम में अपीयर होना कंपलसरी है। दोनों ही एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पे आपकी रैंक बनाई जाएगी, तो आपको जितने मार्क्स फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में मिले हैं और सेकंड पेपर में मिले हैं दोनों को जोड़ के आपके फिजिक्स के फाइनल मार्क आएंगे, और इसी तरह से केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स भी निकाले जाएंगे और उसके बेस पे आपकी रैंक डिसाइड करी जाएगी। अगर आपके मार्क्स किसी और स्टूडेंट के मार्क्स से टाई करते हैं तो टाई ब्रेक पॉलिसी इस तरह से फॉलो करी जाएगी, कैंडिडेट्स हैविंग हायर पॉजिटिव मार्क्स विल बी अवार्डेड हाई रैंक। अगर माना उसके बाद भी टाई हो रहा है तो हाई रैंक विल बी असाइन टू द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेंड हायर मार्क इन मैथमेटिक्स। अगर उसके बाद भी आपका टाई हो रहा है तो हायर रैंक विल बी असाइन टू द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेंड हायर मार्क्स इन फिजिक्स। अगर उसके बाद भी टाई है तो दोनों कैंडिडेट्स को सेम रैंक दे दी जाएगी। सो दोस्तों, रैंक लिस्ट निकालने के लिए भी आपको किसी भी कैटेगरी में एक मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, और उसके अलावा हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी योर मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स अंडर विच रैंक लिस्ट, और व्हाट शुड बी योर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट।
रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी बाद में डिसाइड की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग बीआर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं इस एग्जाम के थ्रू, तो आपको बता दूं बीआर का प्रोग्राम आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की में अवेलेबल है। और जो भी स्टूडेंट जेई एडवांस 2021 को क्लियर करते हैं उनको इसके रिजल्ट आने के बाद आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठना पड़ता है। एटी एग्जाम के बारे में आप बाकी डिटेल्स यहां से चेक कर सकते हैं। आइए आप इस इंफॉर्मेशन ब्राउशर के पार्ट थ्री के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका एडमिशन से रिलेटेड है। दोस्तों ट्वेल्थ क्लास के पासिंग मार्क का परसेंटेज क्राइटेरिया इस साल हटा दिया गया है, बस आपको ट्वेल्थ का एग्जाम पास करना होगा विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप चाहे तो कंप्यूटर ले सकते हैं या कोई भी और वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों जॉइंट सीट एलोकेशन जिसके थ्रू आपको आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी और बहुत सारे जीएफटीआईज में सीट ऑफर करी जाती है जिसको हम जोशा भी कहते हैं, इस साल भी ये ऑनलाइन होने वाला है। और जेई एडवांस 2021 के कैंडिडेट भी इसी प्रोसेस के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कैटेगरी में जो रिजर्व सीट हैं वो अगर आपकी वैकेंट होती हैं तो वो सभी सीट्स आपको प्रिपरेटरी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स कुछ कोर्सेज के लिए इन सभी आईआईटीज में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग और बीटेक एमटेक ड्यूअल डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर आपकी इंटीग्रेटेड एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी। इन सब में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो माइनिंग इंजीनियरिंग या जियोलॉजी या फिर आपका बीई बीटेक ड्यूअल डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, इन सब में एडमिशन नहीं ले सकते। तो दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग प्रोफेशन को लेके कुछ जेंडर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि कोई भी वुमेन किसी भी माइन में जो कि अंडरग्राउंड है वर्क नहीं कर सकती, और कोई भी माइन विच इज अबव ग्राउंड उस माइंस में भी वो केवल 6 AM से 7 PM के बीच में काम कर सकती हैं। पर तो इसके बाद भी फीमेल कैंडिडेट्स माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकती हैं, और ये सारे कोर्सेज आपके आईआईटी धनबाद, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बीएचयू में अवेलेबल है। सो आइए अब एनेक्शर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एनेक्शर वन है सिलेबस, तो यहाँ पे केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है। मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी कुछ आता है। अगर आप लोग इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस है, फिर मैथमेटिक्स का है, फिर फिजिक्स का सिलेबस दिया है। एनेक्शर टू है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो हमने अभी पीछे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करे तो उन सभी का फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से इन सभी फॉर्मेट को कॉपी करके इन सभी सर्टिफिकेट्स को बनवा सकते हैं। एनेक्शर थ्री आपका जो भी कोर्सेज 2020-21 में ऑफर करे गए थे, और जैसे कि हमने बोला 2021 और 22 के जो कोर्सेज आपके सीट एलोकेशन के टाइम पर बताए जाएंगे, इसमें से जिस भी कोर्सेज में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है वहां पे AR मेंशन किया गया है। जैसे देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग में वैकेंसी की यहाँ पे AR है, दैट मींस एडिशनल रिक्वायरमेंट। सिमिलरली फॉर आर्किटेक्चर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आर देयर, माइनिंग सेफ्टी एनर्जी, अप्लाइड जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी। अच्छा IIT खड़गपुर पे जो आपके बीटेक की डिग्री है उसको बीटेक ऑनर्स का डिग्री बोला जाता है। इसके बाद एनेक्शर फोर है जहाँ पे डिफरेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो भी डेट कट हैं ये सब डेट आपको बाद में पता चल जाएंगे। इस एनेक्शर फाइव में सभी IITs की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने जेई एडवांस 2021 एग्जाम के बारे में सभी डिटेल्स को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।